नवंबर में होने वाले एमपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी से नाराज चल रहे कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने आखिरकार पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया और उनके समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगा दिए, जिससे एमपी की सियासत में तहलका मच गया। सुनिए सियासत में गर्मी मचाने वाले विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस फैसले पर क्या कहा। पर जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर चंबल में या ग्वालियर गुना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है, व्यक्ति विशेष और किसी परिवार के दबाव में मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ कोई शरण नहीं मिलने वाली है, तो मुझे लगा कि मुझे अब निश्चित रूप से इस परिवार से पृथक होना चाहिए और इन पीड़ाओं के कारण मैं आज ये निर्णय ले रहा हूँ। प्रमुख कारण यही है। बता दें कि विधायक वीरेंद्र रघुवंशी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन सिंधिया के कारण कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, लेकिन सिंधिया भी भाजपा में आ गए, जिसकी वजह से उन्हें अब भाजपा छोड़ना पड़ रहा है। रघुवंशी ने आरोप लगाया कि सिंधिया समर्थक मंत्री उनके विकास के हर कार्य में रोड़ा बन रहे हैं। वही वीरेंद्र रघुवंशी के आरोप पर ज्योतिराज सिंधिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव के माहौल में आवागमन चलती रहती है और भ्रष्टाचार का आलम अपने 15 महीनों की सरकार में ही, ये कोई साधारण बात नहीं है कि कैबिनेट के 6 मंत्री कैबिनेट मंत्री त्याग पत्र दें 15 महीने बाद, और जो आवागमन हो रहा है वो होता है चुनाव के समय में, हर व्यक्ति का स्वतः का अधिकार है कि वो अपना भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे, और यही तो लोकतंत्र है। वैसे तो सिंधिया समर्थक और पुराने भाजपा नेताओं के बीच विवाद की खबर पहले भी सामने आती रही है, लेकिन ये पहली बार है जब खुलकर सिंधिया विरोध में किसी विधायक ने भाजपा को टाटा बाय बाय कर दिया हो। अब ये माना जा रहा है कि वीरेंद्र रघुवंशी जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक विधायक का पार्टी बदलना भाजपा के लिए एक करारा झटका की तरह है, जिसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP लाइव।